हेलो, आज मैं लेकर के आई हूँ उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में चलने वाली हिंदी पाठ्य पुस्तक कल रहो कक्षा 4 से एक पाठ, पाठ 3, और पाठ का शीर्षक है जब मैं पढ़ता था। यह पाठ महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग या इंग्लिश में माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ से लिया गया एक अंश है। आत्मकथा क्या होती है? जब भी कोई व्यक्ति अपने बारे में लिखता है, अपने जीवन के पूरे जीवन के बारे में लिखता है, तो इसे हम आत्मकथा कहते हैं। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के पूरे जीवन के बारे में लिखता है, तो उसे हम कहते हैं जीवनी। तो यह पाठ महात्मा गांधी की आत्मकथा से एक छोटा सा अंश है जो कि इस पाठ के रूप में पुस्तक में रखा गया है। तो चूंकि यह आत्मकथा है, तो इसको पढ़ते समय ऐसा लगेगा कि स्वयं गांधी जी हमें अपने बारे में बता रहे हैं, यानी कि यह पाठ गांधी जी के शब्दों में है। तो शुरू करते हैं पाठ को। जब मैं पढ़ता था, मेरे पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। महात्मा गांधी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और वह राजकोट के दीवान थे। राजकोट भारत के एक राज्य गुजरात का एक नगर है, एक शहर है। वहाँ पे करमचंद गांधी जी दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। सत्यप्रिय का अर्थ होता है जिसे सच बोलना पसंद हो, जो सच बोलता हो। साहसी मतलब जो निडर हो, जो हिम्मत वाला हो। और उदार व्यक्ति का अर्थ होता है जो दूसरों पे दया रखता हो, सबके ऊपर कृपा करता हो, उसे उदार व्यक्ति कहते हैं। ये तीनों ही एक विशेषण है। वे सदा न्याय करते थे। मेरी माता जी का स्वभाव बहुत अच्छा था। गांधी जी की पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माता जी का नाम पुतली बाई था। तो अपनी माता जी के बारे में महात्मा गांधी बता रहे हैं कि उनकी माता जी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों की महिला थी। धार्मिक विचारों की महिला का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति या ऐसी महिला जो कि ईश्वर में आस्था रखती थी, या फिर वो आस्तिक थी। इसको आस्तिक भी कह सकते हैं। पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थी। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के ही एक दूसरे शहर पोरबंदर में हुआ। पोरबंदर में जो जहां पे गांधी जी का जन्म हुआ था, वहां आज भी उनके उस निवास स्थान को देखने के लिए अनेक लोग जाते हैं देश से विदेश से, और वहाँ पे गांधी जी के जीवन, उनके बचपन से संबंधित बहुत सी चीज़ों को देख सकते हैं। तो बहुत लोग वहाँ पे देखने जाते हैं पोरबंदर में। पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए, तब मेरी उम्र 7 वर्ष की रही होगी। पाठशाला से फिर ऊपर स्कूल में और वहाँ से हाई स्कूल में गया। पाठशाला मतलब जब बच्चे पढ़ने जाते हैं, शुरुआती उनका अध्ययन होता है, वो पाठशाला में होता था, और उसके बाद फिर स्कूल, और वहाँ से हाई स्कूल मतलब और बड़े स्कूल में, हाई स्कूल जहाँ से होता हो, टेंथ होता हो, वहाँ पे वो गए। मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। गांधी जी अपनी सत्यवादिता के लिए जाने ही जाते हैं कि वे सत्यवादी थे। तो वो स्वयं अपनी आत्मकथा में बता रहे हैं कि उन्होंने कभी भी किसी शिक्षक से या किसी लड़के तक से झूठ नहीं बोला था। मैं बहुत संकोची था। वह बहुत ही संकोची थे। संकोची का अर्थ होता है कि जो दूसरों से जल्दी घुल मिल नहीं पाता हो, या अपनी बात को जल्दी नहीं कह पाता हो, उसे संकोची कहते हैं। जिसे अपनी थोड़ा शर्मीला हो, उसे संकोची कहते हैं। एक बार पिताजी श्रवण पितृ भक्ति नामक पुस्तक खरीद कर लाए।
श्रवण पितृ भक्ति एक पुस्तक थी जो गांधी जी के पिताजी खरीद के लाए। श्रवण कुमार का नाम बहुत से लोगों ने सुना होगा आप में से, कि श्रवण कुमार जो थे वो अपने माता पिता की सेवा के लिए जाने जाते थे, कि वो कैसे अपने नेत्रहीन माता और पिता को कांवर में बैठा करके यात्रा पे लेकर के गए थे, और पैदल ही पैदल उन्होंने कांवर में अपने माता पिता को बैठा करके तीर्थ यात्रा करवाई थी, और इसी यात्रा के दौरान ही दशरथ जी का बाण लग जाने की वजह से उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो एक आदर्श बेटे के रूप में, एक आदर्श पुत्र के रूप में श्रवण कुमार का नाम हमेशा लिया जाता है। तो उन्हीं से संबंधित पुस्तक जिसका नाम था श्रवण पितृ भक्ति, पितृ भक्ति का मतलब पिताजी की भक्ति, नामक पुस्तक खरीद कर वो लाए। मैंने उसे बहुत शौक से पढ़ा। उन दिनों बायोस्कोप में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। अब जब गांधी जी छोटे थे उस समय, और अभी से कुछ समय पहले तक भी बायोस्कोप नाम के एक चीज होती थी, जिसमें एक आप लोग फोटो में भी देख सकते हैं कि बायोस्कोप कैसा होता था, एक बक्से नुमा एक चीज होती थी, और इसके अंदर बच्चे जब देखते थे तो उसमें उनको तरह तरह की फोटो, जगह जगह की फोटो दिखाई जाती थी, जैसे कि आजकल सिनेमा में दिखाई जाती है, तो सिनेमा में चलती फिरती फोटो होती है, लेकिन बायोस्कोप में केवल फोटो दिखती थी, उसमें वीडियो नहीं दिखता था। तो उस समय पे गांधी जी बताते हैं कि बायोस्कोप दिखाने वाले लोग आते थे। तभी मैंने अंधे माता पिता को बहगी पर बैठा कर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। तो बायोस्कोप के अंदर महात्मा गांधी ने माता पिता को अपने कांवर पे बहगी, मतलब जो कांवर दो डलिया टाइप की होती थी जो एक डंडे से बंधी रहती थी और उसको कंधे पर रख करके चला जाता था, तो उसे बहगी या कांवर कहते थे। तो उन्होंने श्रवण कुमार का वो चित्र देखा बायोस्कोप में, जिसमें वो अपने अंधे माता पिता को कंधे पे बैठा करके यात्रा पे ले जा रहे थे। इन बातों का मेरे मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। मैंने मन ही मन तय किया कि मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा। तो जब महात्मा गांधी जी ने श्रवण कुमार को देखा कि वो किस तरीके से अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, कांवर पे उनको बैठा करके तीर्थ यात्रा पे ले जा रहे हैं, तो इसका बहुत ही प्रभाव उनके मन पर प्रभाव पड़ा, और उन्होंने भी सोचा कि जैसे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा की है, वैसे ही मैं भी अपने माता और पिता की सेवा करूंगा। मैंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी देखा। अब गांधी जी ने सत्य हरिश्चंद्र नाम का भी एक नाटक देखा। तो हरिश्चंद्र कौन थे? हरिश्चंद्र एक राजा थे जो कि अपनी सत्यवादिता के लिए जाने जाते थे, अपने न्याय के लिए जाने जाते थे। सत्य का साथ देने के लिए हरिश्चंद्र जी ने अपनी पत्नी और अपने पुत्र की भी बलि चढ़ाने में परहेज नहीं किया था, तो इसलिए उनको उनकी सत्यवादिता के लिए जाना जाता है। तो गांधी जी ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी देखा। बार बार उसे देखने की इच्छा होती। अब जब उन्होंने उसे देखा तो उन्हें इतना अच्छा लगा कि वो बार बार उनका मन करता था उसे देखने का। हरिश्चंद्र के सपने आते। बार बार मेरे मन में यह बात उठती कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों ना बने। गांधी जी बार बार सोचते थे कि क्यों नहीं इस संसार के सब लोग हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी बन जाए, अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो। यही बात मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट उठाना पड़े पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो गांधी जी के बचपन में ही यह बात बैठ गई थी उनके मन में कि वे कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए हमेशा बचपन के जो अच्छी आदतें होती हैं, बचपन में जो अच्छे आचरणों को हम लोग सीख लेते हैं, वो जीवन भर हमारे साथ रहता है। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। गांधी जी ने पुस्तकों में पढ़ा था
कि ताजी खुली हवा में घूमना सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए यानी कि सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी यानी कि अच्छा होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी, ये बात भी गांधी जी को अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाली। और तभी से गांधी जी ने क्या किया कि वो टहलने की आदत, उन्होंने खुले में टहलने की आदत, सैर करना मतलब टहलना, टहलने की आदत उन्होंने डाल ली। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। और उसका क्या फायदा हुआ उनको कि उनका शरीर जो है वो मजबूत और ताकतवर बन गया। अब आगे वो बताते हैं, एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूं, पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की जरूरत नहीं, यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। इंग्लैंड तक चले गए तब तक उनके दिमाग में ये बात रही कि कोई फर्क नहीं पड़ता है राइटिंग या सुलेख, लेख लेख जैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया, लेकिन जब वो बड़े हुए अन्य लोगों से मिले तो वहां पे उन्होंने देखा कि बहुत से लोग बहुत ही सुंदर मोती जैसे अक्षर लिखते हैं। मोती जैसे अक्षर का अर्थ हुआ कि बहुत सुंदर अक्षर में उनकी लिखावट है। तो ये देखकर गांधी जी को बहुत पछतावा हुआ। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है, तो उन्होंने सोचा कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षित भी है लेकिन उसकी लिखावट अच्छी नहीं है, इसका अर्थ यह है कि उसने अपनी शिक्षा को पूरी तरीके से नहीं प्राप्त किया। यानी कि शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है अच्छी लिखावट होना। बाद में मैंने अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। गांधी जी कहते हैं, जिस तरीके से एक घड़ा एक बार आग में तप करके पक्का बन जाता है, उसके बाद उस पर नई मिट्टी नहीं चढ़ सकती है कि उसके आकार में और कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, उसमें किसी तरीके का बदलाव नहीं किया जा सकता है, उसी तरीके से जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो उसके आचरण में बहुत बदलाव नहीं किया जा सकता। जो कुछ भी वो सीखता है वह अपने बचपन से ही सीख लेता है। तो गांधी जी ने कहा कि मैंने बड़े होकर के बहुत प्रयत्न किया कि अपनी लिखावट को सुधार लूं, लेकिन वह नहीं सुधरी, क्योंकि बड़े होने पे यह सब करना अत्यंत कठिन हो जाता है। सुलेख शिक्षा का जरूरी अंग है, उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। गांधी जी कहते हैं, अगर किसी को अपनी लिखावट को सुधारना है तो उसके लिए उसको पहले चित्रकला का अभ्यास करना होगा। इसीलिए छोटे बच्चों को जब भी लिखना सिखाया जाता है तो उसके पहले उनको टेढ़ी मेढ़ी लाइंस बनाना सिखाया जाता है, छोटे छोटे चित्र बनाने सिखाए जाते हैं, जिससे कि उनका हाथ ऐसा करने को अभ्यस्त हो जाए, उनको अभ्यास पड़ जाए अपने हाथ चलाने की और उनकी लिखावट भी सुंदर हो जाए। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। गांधी जी ने शिक्षा के बारे में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, किस तरीके की होनी चाहिए, खास करके प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में गांधी जी के विचार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और उसमें उन्होंने चित्रकला पे बहुत ही ज़्यादा जोर दिया है। उनका कहना है कि पहले चित्रकला सिखाइए और उसके बाद बच्चों को लिखना सिखाइए, जिससे उनकी लिखावट सुंदर हो। अपने आचरण की तरफ मैं बहुत ध्यान देता था। गांधी जी कहते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार, उसका आचरण, उसका चाल चलन कैसा हो, उस पर मैं बहुत ध्यान देता था। ये इसमें यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर आते। गांधी जी कहते हैं कि अगर अपने आचरण की, अपने व्यवहार की तरफ मैं बहुत ध्यान देता था और कोई भी गलती से मैं भूल कर देता था तो भी मेरी आंखों में आंसू आ जाता था, इतना उन्हें पछतावा हो जाता था उस बात के लिए। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दे तो यह मेरे लिए असह्य था। असह्य का मतलब होता है जो सहन ही ना हो सके।
जो सहन ना हो सके उसे असह कहते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर उनके हाथों कोई ऐसा काम हो जाए जिसके लिए शिक्षक को उन्हें दंड देना पड़े, तो ये उनके लिए सहन नहीं होता था। मतलब उनको इस बात का पछतावा होता था कि उनके हाथों कैसे कोई गलती हो गई जिसके लिए शिक्षक को उन्हें दंड देना पड़ा। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख ना था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया, इस बात का बहुत दुख था। अब ये कितनी अच्छी बात है कि गांधी जी को जब मार पड़ी तो उनको इस बात का दुख नहीं था कि उन्हें मार पड़ी, बल्कि उन्हें इस बात का दुख था कि उनसे कोई गलती हो गई। अर्थात वह अपने आचरण पर इतना ध्यान देते थे कि उनसे कभी भी कोई गलती ना हो, इस बात का वह बहुत ध्यान रखते थे, और कभी उनसे गलती हो गई तो उनको इस बात का बहुत पछतावा होता था। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की है, और यह बात भी बहुत बड़े होने की नहीं है, जब उनको इस बात का भान हो गया था कि आचरण कितना महत्वपूर्ण है। यह बात मात्र पहली या दूसरी कक्षा की है, जब वो पहली या दूसरी कक्षा में थे तब की है। दूसरी बात सातवीं कक्षा की है। उस समय हेडमास्टर कड़ा अनुशासन रखते थे, फिर भी वे विद्यार्थियों के लिए प्रिय थे। वे स्वयं ठीक काम करते और दूसरों से भी ठीक काम लेते थे। गांधी जी के जो हेडमास्टर साहब थे, वह खुद अच्छा काम करते थे, अच्छे से अपने कर्तव्य को निभाते थे, इसीलिए वे दूसरों से भी अच्छे से काम ले पाते थे। पढ़ाते अच्छा थे, वे पढ़ाते भी अच्छा थे। उन्होंने ऊपर की कक्षा के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिया था। ऊपर की कक्षा का अर्थ है कि जो बड़ी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, उनके लिए हेडमास्टर साहब ने व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य यानी कि जरूरी कर दिया था। मेरा मन इन चीज़ों में ना लगता था, गांधी जी का मन इन चीज़ों में नहीं लगता था। अनिवार्य होने से पहले मैं कभी व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं था। गांधी जी पहले कभी भी ना ही क्रिकेट खेलने, ना फुटबॉल खेलने और ना ही योग व्यायाम करने गए थे, तो इसलिए उनका मन नहीं लगता था उसमें। वहाँ ना जाने में मेरा संकोची स्वभाव भी कारण था। इसके अलावा गांधी जी का स्वभाव जो था वह बहुत ही संकोची था। वो शर्मीले थे, लोगों से हिलमिल नहीं पाते थे, जिसके कारण भी वह इन सब चीज़ों में प्रतिभाग करने से संकोच करते थे, दूर रहते थे। अब मैं यह देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति अरुचि मेरी गलती थी, लेकिन बाद में उन्होंने यह महसूस किया कि व्यायाम के प्रति जो उनकी अरुचि थी यानी कि उनकी नापसंदगी थी, वह उनकी एक भूल थी। उस समय मेरे मन में गलत विचार घर किए हुए थे। उस समय उन्होंने गलत सोचा था कि व्यायाम का शिक्षण के साथ कोई संबंध नहीं है। मतलब उन्हें लगा बाद में कि मैं गलत सोचता था कि व्यायाम और अध्ययन का आपस में कोई संबंध नहीं है, बल्कि ऐसा गलत था, व्यायाम और शिक्षण का आपस में जरूरी संबंध होता है। बाद में समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना बहुत जरूरी है। व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। व्यायाम में पहला कारण तो ये था कि वो पसंद नहीं करते थे, कि वो उनका स्वभाव सबसे घुलने मिलने का नहीं था, संकोची था, शर्मीले थे। और दूसरा कारण ये था कि वे चाहते थे कि अपने पिताजी की अधिक से अधिक सेवा करें। स्कूल बंद होते ही घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता। व्यायाम अनिवार्य होने से इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। विघ्न का मतलब होता है रुकावट। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दिया, पर हेडमास्टर साहब कब छोड़ने वाले थे। तो गांधी जी चाहते थे कि व्यायाम से वो बचते रहें। इसका कारण था कि वो सबसे घुल मिल करके काम करने में संकोच करते थे, और दूसरा वो चाहते थे कि अपने पिताजी की सेवा को अधिक से अधिक समय दे सकें। तो इन दोनों कारणों से वो व्यायाम से बचते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने विद्यालय में हेडमास्टर साहब को एक प्रार्थना पत्र भी दिया कि वो व्यायाम में भाग नहीं लेना चाहते हैं, व्यायाम नहीं सीखना चाहते हैं। लेकिन हेडमास्टर साहब थे, वो उनको कभी भी इस बात से छोड़ने वाले नहीं थे।
एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था, शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी ना थी, आकाश में बादल थे, इससे समय का पता ना चला। बादलों से धोखा खा गया, जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया, जो मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना और मुझे एक या दो आना ठीक याद नहीं कितना दंड देना पड़ा। तो गांधी जी कहते हैं कि एक वो व्यायाम सीखने जाने लगे क्योंकि हेडमास्टर साहब ने उनका प्रार्थना पत्र जो था उसे स्वीकार नहीं किया था। अब आगे वो बताते हैं कि एक शनिवार को स्कूल सुबह सुबह जाना था उनको और शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था, तो उस समय उनके पास घड़ी नहीं थी, तो वो आकाश में सूर्य को देख के अनुमान लगा लेते थे कि कितना समय हो गया होगा और उस हिसाब से चले जाते थे। लेकिन आकाश में बादल आ जाने के कारण उन्हें समय का अंदाज़ा नहीं लग पाया और वो थोड़ा देर से पहुँचे। तो जब वो पहुँचे सब लोग जा चुके थे। अब उनसे पूछा गया कि क्या कारण है देर से आने का, तो उन्होंने सच सच बात बता दी कि उनके पास घड़ी नहीं थी और इसलिए उन्हें समय का अंदाज़ा नहीं हुआ। लेकिन उसे माना नहीं गया, लोगों को लगा कि वह झूठ बोल रहे हैं और इसके बदले उन्हें दंड में एक आना या दो आना देना पड़ा। आजकल जो पैसे चलते हैं, रुपए चलते हैं, तो पहले के समय में आने चलते थे। 25 पैसे जो होते हैं वो 4 आने के बराबर होते हैं और 1 रुपए में 16 आने होते थे। तो उस समय उन्होंने 1 या 2 आना सजा के रूप में भुगतान किया। मैं झूठा बना, मुझे भारी दुख हुआ। अब उनको ये दुख था कि उन्होंने सच बोला लेकिन लोगों ने तब भी उनको झूठा समझा, इसका उनको बहुत दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ ये कैसे सिद्ध करूँ? वो सोच रहे थे कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसे मैं किस तरह से सिद्ध करूँ? कोई उपाय नहीं था, मैं मन मार कर रह गया। अब चूंकि कोई उपाय नहीं था उनके पास, तो वो दुखी होके अपने मन को मार कर, मन महसूस कर रह गए। बाद में समझा कि सच बोलने वालों को असावधान भी नहीं रहना चाहिए, लेकिन बाद में उनको एक बात और समझ में आई कि यदि कोई सत्य बोल रहा है तो उसे यह नहीं सोच लेना चाहिए कि चूंकि वो सत्य बोल रहा है तो सब लोग उसे सत्य मान ही लेंगे, बल्कि उसे इसलिए भी सावधान रहना चाहिए कि उसके सत्य को कहीं झूठ ना समझ लिया जाए, इसलिए उसको सावधान भी रहना चाहिए। तो यह जो आत्मकथा का अंश है महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया, जिनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी।